बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। तो चलिए आज हम आपको भाईजान का एक और किस्सा सुनाते हैं, जिसमें एक्टर को लेकर ये बड़ी बात कोई और नहीं, उनकी कोई स्टार सुष्मिता सेन ने ही साझा की है। दोनों ने एक साथ में कई फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही दोनों की जोड़ी को हमेशा ही सराहना मिली है, लेकिन शुरुआती दिनों में इनके बीच खटपट थी, ये बात किसी को नहीं पता। वहीं सलमान और सुष्मिता की साथ में कई फिल्में हिट साबित हुई हैं और दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें, एक बार दबंग खान ने सुष्मिता सेन के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सुष्मिता ने उनसे बहुत ही अजीब तरीके से बात की थी। सलमान खान ने सुष्मिता सेन के शो के लिए ये वीडियो मैसेज भेजा था। एक बार सुष्मिता फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है में आई थी, जिसके लिए सलमान ने ये वीडियो मैसेज भेजा था। वीडियो में सलमान कहते हैं कि उन्होंने डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर वन के सेट पर सुष्मिता को इंतजार करवाया था। 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद वो आए और खुद को सुष्मिता को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद सुष्मिता ने एटीट्यूड देते हुए रिएक्ट किया। बता दें, सलमान खान ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन वो लेट आए। वो सुबह 11 बजे सेट पर पहुंचे, जहां सुष्मिता सेन 9 बजे से थी, तो उस समय मैं गया और सुष्मिता को कहा हाय सुष। वो पहली बार था मैं सुष्मिता से मिला था। मैंने कहा हाय सुष, कैसी हो। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और वहाँ से चली गई। सलमान खान ने आगे बताया कि उसके बाद मैं डेविड धवन के पास गया और उनसे पूछा इनकी प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो 9 बजे से मेकअप के साथ तैयार बैठी हैं, जिसका मतलब है वो 7 बजे उठ गई थीं। सलमान ने इस पर कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था मैं यहाँ पर 11:30 बजे तक आऊँगा, और इस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।